सर फाइट uh, होती है मेंटल काफी ज्यादा बिकॉज टेक्निकली इज वेरी गुड यहाँ पे जो भी आए हैं वर्ल्ड के बेस्ट हैं सभी टेक्निकली बहुत अच्छे हैं तो uh, है प्रेपरेशन तो, uh, भी वैसे ही रही थी फाइनल के पहले भी एंड uh, वो सिर्फ आज नहीं काफी दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है महीनों पहले से स्टार्ट हो जाता है बट इवेंचुअली जैसे जैसे मैच पास जाता है तो वो और ज्यादा बढ़ती जाती है प्रेपरेशन एंड फाइट तो पाइट काफ़ी अच्छी थी आ, अपना काफ़ी अच्छा मैंने किया था एंड जिसने मेरे को हेल्प भी किया था कि मैं फ़ाइनल में प्रेजेंट में रह पाऊँ और अपना अच्छा प्रोसेस पे फॉलो कर पाऊँ तो डेफिनेटली मार्जिन कम था बट मेरे को कई आ, बार अवेयर भी नहीं था कि क्या मार्जिन है क्योंकि मैं अपने प्रोसेस के साथ था आ, मेरे को बस अपनी टेक्निक के साथ रहना था जो कि मेरे को हेल्प करती पोडियम पे लेके जाने की एंड uh, वही मैंने कोशिश भी करी रोलर कोस्टर राइड रही है देर वर मेनी अप्स एंड डाउन और क्वालिफाई uh, करना इज गुड बट आई थिंक अभी हम इंडियंस uh, जो एथलीट हैं ओवरऑल ही हर एक गेम में आई थिंक हम ऐसे एक uh, जगह पे हैं कि हम सिर्फ क्वालिफाई नहीं अब मेडल के बारे हम सोच सकते हैं एंड उसके लिए जा सकते हैं तो वही उम्मीद इस बार लेकर भी आए थे हम uh, हर एक एथलीट की सभी कैपेबल थे एंड सभी मेडल ला सकते हैं तो अभी जिनके मैचेस हो गए एंड नहीं ला पाए हैं तो सभी को बुरा डेफिनेटली बहुत ज्यादा लग रहा होगा एंड uh, वही बात है कि क्वालिफाई uh, करना इज नॉट दी ओनली थिंग इवेंचुअली हम यहाँ पे आए हैं मेडल जीतने के लिए तो वो नहीं आ पाया तो इसलिए दुख थोड़ा ज्यादा हो काफी उनका बड़ा रोल रहा है uh, मम्मी का भी एंड पापा का भी तो मैं बस थैंकफुल उनको कि वो मेरी जर्नी के इतने बड़े सबसे बड़ा हिस्सा वही हैं एंड उन्होंने मेरे को शूटिंग गेम में डाला एंड मैं ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर पाया हूँ और फाइनल में भी कंपीट कर पाया अभी पहले ओलंपिक में तो मैं शुक्रगुजार हूँ